गुणा की अगली विधि एकाधिकेन पूर्वेण है इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब गुण्य और गुणक की इकाइयों का योग दस हो तथा शेष समूह समान हो उदाहरण पंद्रह बारह और अठारह का गुणा एकाधिकेन पूर्वेण विधि से करना है इस विधि में गुणा करते समय हम यहां देखते हैं कि 12 और 18 में जो इकाई के जो अंक हैं दो और आठ इनका योग दस है और बाकी समूह जो हैं वो एक समान है तो यहां पर जो एक समान समूह है उसके अंक में हम एक जोड़कर इसे दो बनाते हैं और दो से जो दूसरे संख्या में जो समान समूह की जो संख्याएं हैं उससे गुणा करते हैं तो यह हमको मिलता है हमारे उत्तर का बायां हिस्सा दो गुणा एक बायां हिस्सा और दाएं हिस्से के लिए इकाई के अंकों को हम गुणा करते हैं तो यहां हमको मिलता है आठ गुणा दो तो इस प्रकार जो उत्तर होगा वो दो सो सोलह मिलेगा